हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बॉलीवुड की हिट जोड़ी में से एक धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी को 44 साल हो गए हैं। बीते दिन दोनों ने शादी की सालगिरह सेलिब्रेट की, जिसकी फोटो सब सोशल मीडिया पर छाई हुई है। एनिवर्सरी के खास मौके पर हेमा ने धर्मेंद्र के साथ अपनी फोटोज भी शेयर की है, जिसमें दोनों साथ में बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अपनी बेटी ईशा के साथ कैमरे की ओर देखकर मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में धर्मेंद्र हेमा मालिनी की गालों पर किस करते हुए नजर आ रहे हैं। और आखिरी तस्वीर को देखते हुए फैंस के बीच एक अलग ही एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। फैंस बार बार यही कमेंट के जरिए पूछ रहे हैं कि क्या धर्मेंद्र और हेमा ने अपनी 44वां सालगिरह पर फिर से शादी की है। धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के अब एनिवर्सरी की ये सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। साथ ही में फैंस कमेंट्स के जरिए धर्मेंद्र और हेमा के ऊपर अपना प्यार भी बरसा रहे हैं और ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि दोनों पहली बार 1970 में मिले थे, जब वो फिल्म तुम हसीन में जवान की शूटिंग कर रहे थे। फैंस को दोनों की केमिस्ट्री काफी पसंद आई थी। दोनों के बीच फिर प्यार की शुरुआत हुई और दोनों ने शादी का फैसला करने का सोचा। हेमा से शादी करने से पहले धर्मेंद्र ने अपना धर्म बदल दिया था। इसका कारण है कि वो अपनी पहली पत्नी प्रकाश कौर को डिवोर्स नहीं देना चाहते थे और हेमा मालिनी को भी उनके पहले पति से कोई प्रॉब्लम नहीं था। फिलहाल कपल दो बेटियों के माता पिता है। फिलहाल आप लोगों को धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जोड़ी कैसी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।